थे, इनके कोई माता पिता नहीं, अद्रो अमर हैं, यही सर्वशक्तिमान है, ये सती थी संहार और सृष्टि यही करते हैं। अब इनकी जीवनी हम खुद पढ़ने योग्य हुए, आपको भी पढ़ा इस प्रोजेक्टर के माध्यम से, तो अब हम ये डड़े नहीं ढोएंगे, हम ये भगवान जितनी शक्ति रखते हैं हम इससे परिचित हो गए, ये बुरे नहीं बताए। जैसे गीता जी अध्याय नंबर 2 श्लोक नंबर 46 में कहा कि अर्जुन एक बहुत बड़े जलाशय की प्राप्ति के उपरांत छोटे जलाशय में जैसी आस्था रह जाती है, इसी प्रकार उस परमात्म तत्व को जानने के उपरांत अन्य ज्ञान में तेरी जैसी बुद्धि रह जाए, आस्था रह जाएगी, तेरी उतनी ही आस्था रह जाएगी। कहने का भाव यह है कि जैसे पहले तालाबों के ऊपर, जलाशयों के ऊपर आश्रित होता था मानव जीवन, फल फ्रूट बहुत होते थे, नाना आहार करना, कोई सब्जी बो लेते थे, थोड़ी बहुत कुछ अपना खेती करते थे, तो भी इन तालाबों का ही सहयोग दिया करते थे, वर्षा समय पर हो जाया करती थी, वर्षा होती रहती, कई बार अकाल भी गिर जाते थे। तो जैसे छोटे तालाब में जिस पर आश्रित है वो व्यक्ति, एक परिवार ऐसे 10-10, 5-5 परिवार एक तालाब के किनारे रहा करते थे, झोंपड़ी डाल डोल गए, तो ये बताना चाहे कि उस तालाब पर आश्रित व्यक्ति, किस तालाब पर के जिसमें एक वर्ष वर्षा ना हो तो उसका पानी सूख जा, उसमें जल नहीं रहे, और आश्रित लोग भी जल के अभाव से महाकष्ट को प्राप्त हों, मृत्यु को भी प्राप्त हो जाती है, और उन व्यक्तियों को एक बहुत बड़ी झील, बहुत बड़ा जलाशय प्राप्त हो जा, जिसका जल 10 वर्ष वर्षा ना हो तो भी समाप्त ना होए। तो कहते हैं फिर जितनी आस्था उसमें हो जाएगी जो बहुत बड़ा जलाशय में, और फिर छोटे जलाशय में जैसी आस्था रह जाएगी, वो छोटे जलाशय, छोटा जलाशय बुरा नहीं लेकिन सफिशिएंट नहीं, वो तो काम चलाऊ है, बुरा नहीं, जल तो उसमें भी है और बढ़िया मीठा जल है, लेकिन वो नष्ट होने का है, वो समाप्त हो जाएगा, और एक वर्ष वर्षा ना हुई तो सब उसके आश्रित भी मर जाएंगे। तो कहने का भाव यह है कि बड़ा जलाशय जब मिल जाएगा तो छोटे में आस्था, छोटा जलाशय बुरा नहीं लेकिन वहाँ रह कोई नहीं, फिर ठाक है झोंपड़ी वहाँ जा डालेंगे उसके आसपास, चाहे 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर पर हो, चाहे 100 किलोमीटर पर, अपनी जान बचानी है। तो ऐसे ही बताया कि जब इन पूर्ण परमात्मा के की महिमा से परिचित होने के बाद आप जी की आस्था इन ब्रह्मा विष्णु महेश और ब्रह्म में ऐसे रह जाएगी जैसे छोटे जलाशय में रह जाती है। छोटा जलाशय बुरा नहीं लगता लेकिन उसकी औकात का पता लग गया कि यह तो कभी भी धोखा दे सकता है, यो भी सुख है, वर्षाना होता है और हम भी मरेंगे साथ में, फिर कोई उधर दौड़ के चला जाता है, वहाँ तुरंत पहुँच जाते हैं। इसी प्रकार पुण्यात्माओं, आप जी को और हमें सभी पहले ज्ञान नहीं था, और हम इन्हीं भगवानों पर, इसी जलाशय पर आश्रित थे, अब हमें वो झील मिल गई, वो बड़ा जलाशय प्राप्त हो गया, यानी सतलोक का ज्ञान हो गया, तो वहाँ चलने की, वहाँ पहुँचने की तैयारी करनी चाहिए। उसके लिए क्या बताते हैं परमात्मा ने आके बताया है कि उसके कुछ प्रोसीजर है, उसको अपनाइए, कुछ क्रियाएं हैं वो कीजिए, फिर आप वहाँ पहुँच जाओगे, जहाँ जाने के बाद फिर कभी किसी वस्तु का अभाव आपको नहीं होगा।
उसके लिए सबसे पहले बताया है कि सतगुरु की खोज करो। पुणात्मा, वैसे तो गुरु शब्द पर्याप्त है। गुरु, गुरु वो होता है जो कोई मार्गदर्शन करता है। जैसे वैसे तो गुरु जैसे कोई आम व्यक्ति है, कोई लकड़ी का गुरु है, कोई लोहे का गुरु है, कोई मटके बनाने सिखा वो गुरु है, कोई आभूषण बनाने सिखाता वो गुरु है, कोई अक्षर ज्ञान कराते हैं टीचर वो गुरु हैं। और प्रारंभ में माता पिता भी गुरु होते हैं, बच्चे को उठना बैठना खिलाना चलना बोलना सिखाते हैं। लेकिन हम जिस गुरु के बारे में बात कर रहे हैं वो आध्यात्मिक गुरु, गुरु अर्थ टीचर। तो गुरु शब्द बहुत होता है ये समझाने के लिए कि गुरु क्या ज्ञान देते हैं। लेकिन ये नकली गुरु अधिक हो जाने के कारण यहाँ सतगुरु शब्द बनाना लिखना पड़ा, उसके साथ सत लगाना पड़ा। सत माने सच्चा, सच्चा गुरु, सद्गुरु। तो सद्गुरु जब मिले, सबसे पहले हमने सद्गुरु की खोज करनी पड़ेगी। और सद्गुरु सोए जो सत शब्द बतावे, सद्गुरु सोए सत नाम बतावे, और गुरु कछु काम न आवे। सद्गुरु वही है जो सतनाम देता है। ये बहुत से कबीरपंथी भी सतनाम देते हैं। वो क्या बताते हैं, सतनाम सतनाम जप लो, ऐसे नहीं। सतनाम कोई जाप नहीं है करने का, सतनाम का अर्थ है सच्चे नाम। वो सच्चा नाम दो अक्षर का होता है, जिसमें एक ओम अक्षर है और एक सांकेतिक है, वो ये दास बताओगा उपदेशी को। गीता जी अध्याय नंबर 17 के श्लोक नंबर 23 में पूर्ण परमात्मा की प्राप्ति का विधान बताया है, ओम तत् सत इति निर्देश है ब्रह्मणे त्रिविधः समर्थः। ब्राह्मणा तेन विदा विहिता च पुरा। कहते हैं उस सचिदानंद घन ब्रह्म की प्राप्ति का, उस सतलोक को प्राप्त करने का गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 4 में कहा कि तत्वदर्शी संत की प्राप्ति के उपरांत इस उलझी हुई गुत्थी को तत्व ज्ञान रूपी शस्त्र से काटकर उसके पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद ये प्राणी फिर लौटकर संसार में कभी नहीं आता। अर्थात जन्म मृत्यु के इस दीर्घ रोग से सदा के लिए मुक्त हो जाता है। और जिस परमेश्वर ने संसार रूपी वृक्ष की रचना की, अर्थात पूरे सब ब्रह्मंडों की जिसने रचना की, वो कुल मालिक सृजनहार है। और मैं भी, यानी गीता ज्ञानदाता कहता है कि मैं भी उसी की शरण में हूँ। इस प्रकार ध्यान करो, उसी की पूजा करो। तो उसकी पाने के लिए, उस सतलोक में जाने के लिए, उस परम पद की, उस परम पद को प्राप्त करने के लिए कि जहाँ फिर जन्म मृत्यु कभी नहीं होती, उसके लिए यहाँ बताया है 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में कि उस सचिदानंद घन ब्रह्म का, उसकी प्राप्ति का केवल ओम तत्सत, यह तीन मंत्र के जाप का और तीन विधि से जाप करने का निर्देश है। निर्देश माने फाइनल फैसला। अब जो सदग्रंथ बोलने वाला ब्रह्म कह रहा है कि ये निर्देश है, ये मेरा ऑर्डर है, नथिंग एल्स। तो उसमें ओम तो सीधा ही बोल दिया ब्रह्म का है, और तत् ये सांकेतिक है, ये परब्रह्म का है, अक्षर पुरुष का। और इसमें एक तत् जो ये गुप्त है, सांकेतिक ये दास बताएगा। तो उस दोनों के मिल जाने से वो सतनाम बनता है। तो यहां बताया है। और फिर सत शब्द, सत शब्द जिसको सार नाम भी कहते हैं,
तो यहाँ ओम तत् ये दो मिलकर सतनाम बन जाता है, तत् ही सांकेतिक है, और सत ये सारनाम की तरफ संकेत है। तो ऐसे ये तीनों मंत्रों का जाप तीन ही प्रकार से होता है, ये दास आपको बताएगा, और जिनको प्राप्त हो चुका है उनको भी मालूम है। तो यहाँ कहते हैं गुरु सोए सतनाम बतावे और गुरु कोई काम न आवे। अन्य जो गुरु हैं वो केवल संसार के ही, संसार की क्रियाओं को ही हमें समझा पाते हैं और केवल एक रोजी रोटी तक ही सीमित हम रह जाते हैं। जो गुरु है सद्गुरु वही है जो सच्चा नाम बतावे, और अन्य गुरु जो भक्ति मार्ग के भी जो अन्य गुरु हैं, नकली हैं, झूठे गलत मंत्र देते हैं, गलत ज्ञान रखते हैं, समझाते हैं, तो वो गुरु हमारे काम नहीं आवे। इसलिए सद्गुरु शब्द का प्रयोग करना पड़ा, जो सच्चा गुरु। तो परमात्मा पाने के लिए सच्चे गुरु की तलाश करनी चाहिए। पुण्यात्माओं, परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सर्वश्रेष्ठ रचनहार कबीर देव कबीर साहब ये अपनी प्यारी आत्माओं को यथार्थ ज्ञान कराने के लिए स्वयं ही सतलोक से अमर लोक से चलकर आते हैं, जहाँ इनका निज स्थान है, और यहाँ आकर के उस तत्व ज्ञान को हमें बताते हैं। तो उसमें क्या बताते हैं, एक समय परमात्मा कबीर जी आज से 600 वर्ष पहले, लगभग 600 वर्ष पहले, सन 1398 से सन 1518 तक 120 वर्ष इस धरातल पर एक जनसाधारण की भूमिका करके, एक तत्वदर्शी संत की भूमिका करते हुए और अपने एक तत्वदर्शी संत की भूमिका, एक अच्छे शिष्य में क्या गुण होने चाहिए और एक अच्छे भक्त में कितनी आस्था हो भगवान में और कितना विश्वास हो और कैसी उसकी रहनी हो, कैसे उसका जो है ना दिनचर्या हो, इसका एक प्रैक्टिकल रूप प्रत्येक युग में वो करके जाते हैं। एक जनसाधारण जैसी भूमिका करते हैं, अपने कर कमलों से निर्वाह करके अपना गुजारा करते हुए भक्ति भी करते हुए नजर आते हैं। वो तो परमात्मा होते हैं लेकिन हमारे लिए उदाहरण देते हैं कि ऐसे साधना करने से तुम पार होगे, तो ऐसी लीला वो करने के लिए आए हुए थे। और एक जुलाहे का कार्य करने से, ताना कपड़ा बुनने के कारण, जुलाहे का कार्य करने के कारण वो जुलाहा कहलाए। वो परमात्मा सहसरी राय थे, किसी माँ से जन्म नहीं लिया था, काशी शहर जिसको बनारस भी बोलते हैं, उस काशी शहर के अंदर एक लहर तारा नामक तालाब है, आज भी विद्यमान है। उसमें तो और ज़्यादा वो अपने यथार्थ रूप में था, उसमें कमल के फूल खिले हुए थे। परमात्मा सतलोक से आए, एक शिशु रूप धारण किया और कमल के फूल पर विराजमान हो गए। इनके प्रत्यक्ष दृष्टा एक अष्टानंद नाम के ऋषि हैं और नीरु नीमा नामक एक जुलाह दंपति उनको उठा ले गया परमात्मा बालक रूप में, वो निसंतान थे। और परमात्मा की परवरिश की लीला एक जुलाहे के घर हुई, फिर बड़े होकर के उसे उसी जुलाहे के कार्य को करने लगे, जिस कारण से जुलाहा कहलाए। उनके कोई माता पिता नहीं है। तो जब परमात्मा यहाँ आए हुए थे, 120 वर्ष तक रहे, बड़े हुए, जब 5-6 वर्ष की आयु में ही उन्होंने बड़े बड़े विद्वानों के छक्के छुड़ा दिए थे। किसी के पास जवाब नहीं था। परमात्मा प्रश्न किया करते थे, कौन ब्रह्मा का पिता है, कौन विष्णु की माँ,
और शंकर का दादा कौन है, मंडलेश्वर दे बता, जिसके पास भी जाते थे कि ब्राह्मण हे ऋषि ये प्रश्न उत्तर दो, वो कहा करते थे इनके कोई माता पिता नहीं है, तो अद्रो अमर हैं, सर्वेश्वर हैं, महेश्वर हैं, और ये सारी सृष्टि की यही करता है, यही सतीथि सृष्टि करता, यही सतीथि करता, ये संहार करता। लेकिन परमात्मा बताया करते थे नहीं, आप गलत ज्ञान दे रहे हो, तुम अपने ही सदग्रंथों से परिचित नहीं हो। उस समय परमात्मा की, परमेश्वर कबीर जी की वाणी को किसी ने विश्वास नहीं किया, नहीं समझा, और वही वाणी 600 वर्ष पहले लिखी हुई आज आपके समक्ष और बता रहे हैं, और हमारे सदग्रंथ जिनको हम सच्चे ग्रंथ मानते थे, जैसे पुराण, पवित्र 18 पुराण, पवित्र श्रीमद् भगवद गीता, पवित्र चारों वेद, ये उस परमेश्वर कबीर जी का ही गुणगान करते हैं। और ब्रह्मा विष्णु महेश की यथार्थ जीवनी से वो परिचित करा रहे हैं कि इनका जन्म मृत्यु होता है, दुर्गा इनकी माता है, ज्योति नरेंद्र इनका पिता, ये काल रूपी भगवान ब्रह्म। तो पुण्यात्माओं, परमात्मा जगह जगह जाकर सत्संग किया करते थे और यही विचार व्यक्त करते थे कि परमात्मा पाने के लिए सबसे पहले गुरुजी की आवश्यकता है। पहले तो ये डिफरेंस बताते थे कि तुम जिन भगवानों का जाप करते हो, भक्ति करते हो, वो केवल तुम्हें वर्क डन ही देते हैं, जैसा तुम करोगे वैसा ही देंगे। इसमें अगर आपके भाग्य में कोई दुख है, उसमें कोई परिवर्तन आपके ब्रह्मा विष्णु महेश नहीं कर सकते। आप कोई प्रश्न करता था कि आप कैसे कह रहे हो, कबीर जी को कहा करते थे परमेश्वर को कि तुम ये कैसे बात कह रहे हो कि ब्रह्मा विष्णु महेश कुछ नहीं कर सकते। राजा मोर ध्वज के पुत्र तामर ध्वज को आरे से चिरवा कर जीवित कर दिया था। परमात्मा कहा करते थे कि तामर ध्वज को तो जीवित कर दिया था, लेकिन अभिमन्यु को जीवित नहीं कर सके श्री कृष्ण जी। अभिमन्यु सुभद्रा का पुत्र था, सुभद्रा श्री कृष्ण जी की बहन थी, अभिमन्यु श्री कृष्ण जी का भांजा था, अपने भांजे को जीवित नहीं कर सका जबकि पांडवों का कुल नाश हो रहा था। श्री कृष्ण रो रहा था, सारे पांडवों का परिवार रो रहा था, सुभद्रा भी टक्कर मार रही थी इकलौते पुत्र की मृत्यु के उपरांत, श्री कृष्ण जीवित नहीं कर सके। अब इसका कारण क्या है, परमात्मा ने बताया कि श्री कृष्ण जी उर्फ विष्णु, विष्णु जी, ब्रह्मा जी, शिव जी, ये केवल जैसा जिसका कर्म है उतना ही दे सकते हैं। हाँ, इतने इतनी पावर इनमें है, जैसे किसी का शरीर काट दिया ये दोबारा जोड़ सकते हैं, जैसे तामर ध्वज को आरे से चिरवा कर दो फाड़ करवा दिया था, मृत्यु को प्राप्त हो गया था, उस शरीर को भगवान श्री कृष्ण जी ने पुनः जोड़ दिया, फिर जीवित कर दिया, क्योंकि तामर ध्वज के श्वास शेष थे, उसकी जीवन शेष था, वो भी उसकी आयु बची हुई थी, इसलिए श्री कृष्ण जी ने उसको जीवित कर दिया।